पे सामने खड़े हुए हैं। ये हिंदुस्तान के पहलवान हैं, कुश्ती भारत के थ्री, हिंद के थ्री, दुश्मन सब टाइटल्स इनके पास है। कोई टाइटल ऐसा नहीं है जो इन दोनों पहलवानों के पास ना हो। एक एक बार नहीं, कई कई बार भारत के थ्री और इनके थ्री बन चुके हैं। और हरियाणा के ये दो शेर अब फिर दोबारा से इस सैतालीस सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता और हिंद के थ्री कुश्ती प्रतियोगिता के समापन दिवस के सायकालीन सत्र में आपके सामने कुश्ती कला का जौहर दिखाते हुए लाल चांगे में पहलवान है हितेश हरियाणा एक टीम का पहलवान और नीले चांगे में है परवेश हरियाणा बी टीम का पहलवान। परवेश ने अभी पिछले साल ही चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर रुस्तम हिंद का टाइटल भी लिया था जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित टाइटल है और आज भी यही केसरी का टाइटल होने जा रहा है। ये देश का सबसे प्रतिष्ठित टाइटल है। एक मिनट का समय हो चुका है कुश्ती का, हर मिनट बोलेंगे कैमरा भी देखो। एक मिनट का समय हो चुका है और दोनों पहलवान अच्छी पकड़ की तलाश में हैं, अंकों की तलाश में हैं और देखना है कि आज ये कुश्ती तय करेगी कि आज की तारीख में, आज के समय में हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ पहलवान कौन सा है, हिंद केसरी टाइटल किसके पाले में जाता है। ये बेहतरीन टाइटल, ये प्रतिष्ठित टाइटल जिसके लिए लोग पूरी जीवन सपना देखते हैं। जो हिंद केसरी, हिंद केसरी किताब के अंतर्गत ये आपके सामने मुकाबला लाल जाएंगे में हितेश हरियाणा ए के पहलवान, नीले जाएंगे में है परवेश हरियाणा बी के पहलवान। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, दो मिनट का समय जा चुका है और दोनों ही पहलवानों के लिए खुशखबरी है, जो पहलवान इस कुश्ती में जीतेगा उसको एक पीपा घी और 11,000 रुपए नकद कृष्ण जाखोड़ा की तरफ से, एक बोरी बादाम और 11,000 रुपए नकद और जाखोड़ा की तरफ से दिए जाएंगे। बहुत बेहतरीन पहलवानों पर कुश्ती से पहले ही लक्ष्मी की वर्षा प्रारंभ हो चुकी है और दो मिनट के समय के बाद अभी तक कोई भी पहलवान कोई अंक नहीं बना पाया है। हिंद केसरी खिताब के लिए दोनों ही पहलवान अभी तक अपने प्रतिद्वंदी को आसमान दिखा करके यहाँ पहुंचे हैं और अब फाइनल में लाल जांगिया के हितेश और नीले जांगिया में परवेश दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, अनेक बार भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में कर चुके हैं। तीसरा मिनट समाप्त और ये कट लगने का प्रयास परवेश द्वारा और ये अंक लेने में कामयाब नीले जांगिया के परवेश हरियाणा बी के पहलवान। जो हिंद केसरी बनेगा उसको हरियाणा कुश्ती संघ की तरफ से 2,00,000 रुपए, एक ब्रोच सर्टिफिकेट और मेडल। सेकंड वाले को 1,00,000 रुपए, मेडल और सर्टिफिकेट। और जो दो थर्ड आए हैं उन दोनों को ब्रॉन्ज मेडल, सर्टिफिकेट और 40,000 रुपए। और जो वजनों में फर्स्ट आए हैं उनको 20,000 सर्टिफिकेट और मेडल। जो सेकंड आए हैं उनको 15,000 रुपए और मेडल सर्टिफिकेट। और जो दो थर्ड आए हैं उन पहलवानों को 7,500 रुपए मेडल और सर्टिफिकेट। बहुत अच्छी कुश्ती, हिंदुस्तान की बेहतरीन कुश्ती आपको देखने को मिली है। और पिछले 3 दिन से हजारों की संख्या में लोग सुबह 9:30 बजे आ जाते हैं, 9 बजे आकर के खड़े हो जाते हैं और बहुत बढ़िया आनंद ले रहे हैं। ब्रिगेडियर होशियार सिंह की याद में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए दी, उनकी याद में यह आयोजन हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का कि वो हिंदुस्तान के पहलवानों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद पहुंचे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुश्ती का 5वां मिनट चल रहा है जैसा कि माननीय अध्यक्ष हरियाणा राज्य कुश्ती संघ
श्री नसीर सिंह राजी जी ने आपको बताया कि पहलवानों को नगद पुरस्कार किस प्रकार दिया जाएगा। ये पहलवानों को प्रमोट करने के लिए श्री राजी जी का जो प्रयास है बड़ा सराहनीय है, और मैं खुद काफी कॉम्पिटिशन में जाता हूँ, तो आज तक के जितने भी कॉम्पिटिशन मैंने अटेंड किए हैं उसमें से मुझे ये थी बेस्ट कॉम्पिटिशन लगा। यहाँ पहलवानों का रख रखाओ, 5 मिनट जा चुके हैं, रख रखाओ यहाँ पहलवानों का रख रखाव और उनका भोजन की व्यवस्था अति उत्तम थी, अति उत्तम। और वही बाहर से आए जितने भी संघों के अतिथिगण थे सभी का उत्तम किस्म का रख रखाव श्री राठी जी ने यहाँ प्रबंध करवाया। इसके लिए मैं खेल जगत की तरफ से श्री राठी जी का आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन आप लोग यहाँ करवाते रहेंगे। और ये 6 मिनट चल रहा है कुश्ती के पहले राउंड का। मैं तमाम कोच साहिबान का और टेक्निकल टीम भाई अशोक गर्ग जी, ज्ञान पहलवान जी, नरेंद्र धन्यवाद सुदेश जी। और ये कुश्ती पहले राउंड के बाद विश्राम के बाद दोबारा पहलवान आते हुए मैदान के ऊपर, एक और दो के स्कोर पर इस समय कुश्ती है। लाल जागिया पहले हुए पहलवान हितेश के पक्ष में 1 अंक और 2 अंक है नीली जागिया पहने हुए परवेश के पक्ष में। इस प्रकार दोनों हरियाणा ए और बी टीम के पहलवान हैं, दोनों ही अनोखो बार भारत केसरी हिंद केसरी उस समय हिंद टाइटलों से इनको नवाजा जा चुका है। और आज फिर ये तय होने जा रहा है कि अब 2013 का हिंद केसरी कौन है, कौन इस प्रतिष्ठित टाइटल को जीत पाता है। पहलवान कुश्ती देखने के लिए आप सबके लिए बहुत बड़े पहलवानों के लिए गर्म हो जाएंगे। कुश्ती देखने के लिए आए हो, विशेष तौर से अखाड़े के करीब बैठकर कुश्ती देख रहे हैं, आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। तो इसलिए आपको चाहिए कि बहुत अच्छी कुश्ती का प्रदर्शन करें, आपसे बहुत अच्छी कुश्ती की तवक्को है, बहुत अच्छी कुश्ती की उम्मीद है। हम आप जैसे देश के बड़े पहलवानों को, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ इस प्रतियोगिता के दौरान कि देश में 10 बड़े पहलवानों की गिनती होती है तो उसमें से 6 से ज्यादा पहलवान, 6 भी नहीं मैं गिन रहा था, 6 से ज्यादा पहलवान इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये पहली बार है भारतवर्ष में की हिस्ट्री के अंदर, पहली बार है जबकि 61 पहलवानों ने हिंद केसरी टाइटल में भाग लिया है, कभी इतने पहलवानों ने भाग नहीं लिया है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है और उन पूरे पहलवानों के बीच में से निकल के आप फाइनल में आए हैं। और ये 2 अंकों का स्कोर और इस प्रकार 3-2 का स्कोर हो गया है इस समय कुश्ती में। इस बीच दूसरे राउंड के दूसरे मिनट में कुश्ती चल रही है, 3-2 के स्कोर पर कुश्ती है। अच्छी कुश्ती दिखानी चाहिए पहलवानों को, आप देश के बहुत बड़े पहलवान हैं, ये कुश्ती तमाम देश में आपके जा रही है, पूरे देश में इस कुश्ती का जिक्र होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन कुश्ती दिखाएं, अच्छे दांव पेचों का प्रदर्शन होना चाहिए। और बहुत बढ़िया वापसी करते हुए परमेश जिन्होंने तो तालियां दर्शक कम से कम बजाया करे, देश के इतने बड़े दो बड़े पहलवान आपके सामने लड़ रहे हैं और ये ईरानी डाल के कुछ अंग बनाने की कोशिश में है, ये ईरानी दांव है डाल के स्टार बनाने की कोशिश में है, लेकिन फिर इरादा बदला और इरादा बदल के स्टैंडिंग में कुर्सी चलाने का आदेश रेफरी द्वारा। 2 मिनट का समय हो चुका है, 3-5 के
इस बॉल पर यह कुश्ती है। दूसरे राउंड का 2 मिनट का समय हो चुका है। बहुत बेहतरीन कुश्ती है और मैं यहाँ की कुश्ती प्रेमी जनता का भी बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुबह जब मैं 9:30 बजे यहाँ आया था, पूरा घना कोहरा छाया हुआ था, हम लोग सब यहाँ आए थे, उस समय भी जनता यहाँ मौजूद थी और इस समय भी जनता यहाँ मौजूद है। बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ यहाँ की जनता का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत बारीकी से देखा है और अब ये कुछ अंग बनने की तरफ ये कुश्ती जा रही है। देखते हैं कि कौन पहलवान कामयाबी हासिल कर पाता है। और ये हाथ छुड़ाने का प्रयास है, हितेश द्वारा प्रवेश पकड़ रखा है। अब देखिए स्टैंडिंग में कुश्ती चलाने के लिए फिर आदेश किया है रेफरी नरेंद्र सिंह जी द्वारा। जैसा ये मिट्टी की कुश्ती हम लोग पूरे देश में कराते हैं, साल में हमारे माननीय अध्यक्ष जी और माननीय महासचिव जी 4-5 कंपटीशन पूरे देश में जगह जगह कराते हैं। ये वो नर्सरी है, यहाँ से पहलवान मिलते हैं, पैदा होते हैं, यहीं से पहलवान निकलते हैं और वही पहलवान आगे जाकर विदेशों में हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। 3 और 4 के स्कोर पर कुश्ती है। 3 मिनट का समय दूसरे राउंड का समाप्त हो चुका है। कौशाब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में जितने भी आज तक हिंद केसरी के दंगल हुए हैं, चैंपियनशिप हुई है, सबसे ज्यादा पहलवान इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 61 पहलवानों ने केसरी खिताब के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है। 5 और 4, 4 मिनट का समय हो चुका है। 5 और 4 का स्कोर है। 2 मिनट का समय केवल शेष है। बहुत बराबरी पर कुश्ती चल रही है। 5 और 4 अंक है हितेश के, जो लाल जांघिया पहने हुए हैं, और 4 अंक हैं परवेश के, जो नीला जांघिया पहने हुए हैं। बड़े वजनों में कुश्तियां, और ये क्रॉस की कोशिश थी। 5 और 4 खड़े हो गए। 5 और 4 का स्कोर, बहुत बढ़िया। दोनों ही बार भारत केसरी रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे की कमजोरियों को बखूबी पहचानते हैं, जानते हैं। बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है। आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, कितने खेल प्रेमी हैं, कुश्ती प्रेमी हैं, ये इस बात से अंदाजा है कि अखाड़े के साथ में बैठ करके कुश्ती देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम तो आज समझते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, जहाँ चौधरी साहब यहाँ बैठ कर कुश्तियाँ देख रहे हैं। और ये कुश्ती भी बहुत बड़ी कुश्ती है देश की, इसमें कोई शक नहीं। और एक बहुत उत्कृष्ट आयोजन, बहुत उच्च कोटि के आयोजन के बीच ये बहुत ही उच्च कोटि कुश्ती। दोनों देश के सिरमौर पहलवान हैं और देश के अगर बड़े पहलवानों में जिक्र किया जाए तो इनका नाम सर्वोपरि लिखा जाता है आज की तारीख में। कुश्ती का अंतिम मिनट 5 और 4, और ये और जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में अपनी सेवाएं दी हैं, कोच हैं, रेफरी हैं, टेक्निकल हैं और मैच चेयरमैन हैं श्री अशोक गर्ग जो अर्जुन अवार्डी हैं, और श्री ज्ञान सिंह पहलवान जो हमारे इस कुश्ती के आयोजन के डायरेक्टर हैं, और डिप्टी डायरेक्टर भाई धर्मवीर पहलवान बामरौली, भाई सोला पहलवान जी, नीलू पहलवान और तमाम कोचिज साहिबान, सभी का हरियाणा कुश्ती की संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और फिर बाकी है, हमने कोशिश की 5 और 4 कि हम आपकी अच्छी सेवा करें, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो हम आपसे माफी चाहते हैं। और अगले साल जो नेशनल जूनियर का खिताब चैंपियनशिप कराने की जिम्मेदारी हरियाणा को दी है, हम उस चैंपियनशिप में उस कमी को भी दूर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बार बार शर्मिंदा ना करें, ये टेक्निक पर कमी रह गई है, कमी तो ढूंढने से भी नहीं मिल रही। और फिलहाल ये कुश्ती देखे और ये 2 अंक और बनते हुए नहीं, टाइम हो गया ठीक है और समय हो गया। इस प्रकार लाल जांघिया पहने हुए पहलवान हितेश हरियाणा ये कुश्ती में बिके गए और खिताब हासिल किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सारे कोच साहिबान
और सभी टेक्निकल जितने भी साथी हैं।